सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूँ हेमंत और आज मैं आपको मेरे कमेंट सेक्शन में फुलफिल्ड द मोस्ट कॉमन कमेंट जो कि है कि हम लोग अपने बेब्रेड को कैसे स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो डालने जा रहा हूँ। तो गाइस, बीब्लेड को स्ट्रॉन्गर बनाने का मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा, दो कॉमन मेथड्स है ये। जो सबसे पहला है वो है हम लोगों का सिलेक्टिंग द लॉन्चर वाला। तो गाइस, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये दो टाइप्स ऑफ लॉन्चर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा पास जो ब्लैक कलर वाला लॉन्चर है, उसका जो आप ये वाइंडर यानी कि जो स्ट्रिप है उसको आप देख सकते हैं जो कि मोटा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाला वाइंडर और ये वाला वाइंडर, आप देख सकते हैं इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो गाइस, हम लोगों को क्या है ना, जो ये ब्लैक कलर वाला लॉन्चर है, हम लोगों को हमेशा इसी लॉन्चर को यूज़ करना है हम लोग अपना बेब्लेड में। क्यों गाइस, आप देखिए जो ये वाला लॉन्चर है ना, ये वाला मेरे जो लेफ्ट हैंड में लॉन्चर है वो इस लॉन्चर से ज़्यादा पावरफुल है। क्यों देखिए, क्योंकि इसका जो वाइंडर है वो पहला बात उससे ज़्यादा थिक है, तो इससे क्या होगा, आपको बेब्लेड आपके बेब्लेड को ज़्यादा पावर मिलेगा। तो आपको फर्स्ट थिंग याद रखना है कि हमें सबसे पहले इस वाले लॉन्चर को यूज़ करना है। और ये वाला जो लॉन्चर है फ्रेंड्स, ये आपको जनरली हर एक बेब्लेड में नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कि आप जब भी 3 या फिर 4 का जो सेट लेते हैं बेब्लेड का, उसमें हमेशा ये वाला ही लॉन्चर और वाइंडर मिलता है। आपको ये वाला लॉन्चर एक सिंगल बेब्लेड का सेट पैकेट में मिलेगा। आपने जैसा कि मेरा वो बिग बैंग पेगासस वाला बेब्लेड का अनबॉक्सिंग वाला वीडियो में देखा था, ठीक है, आपको उसी वाला में, मतलब वो 150 कॉस्ट करता है, उसमें बस खाली एक ही बेब्लेड आता है। जो मेरे पास जो बिग बैंग पेगासस वाला वीडियो है मैंने उसमें दिखाया था, उसके साथ आपको ये वाला लॉन्चर मिलेगा। तो आपको हमेशा इसी लॉन्चर को बेब्लेडिंग के लिए यूज़ करना है। तो गाइस, जो फर्स्ट वाला जो था ये तो एक नॉर्मल था, अब जो सेकेंड वाला है फ्रेंड्स, उसमें आपको आपकी सिर्फ 20 रुपीज को खर्च करना और आपका बेब्लेड पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो गाइस, जो सेकेंड वाला मेथड है वो है चेंजिंग द वेट ऑफ द ब्लेड। तो गाइस, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले अपना बेब्लेड दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा बेब्लेड, ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लोग का बेब्लेड का हर एक पार्ट है। अब आप जो ये जो तीन जो नॉर्मल प्लास्टिक के पार्ट है उसको आप एक बार असाइड रख दीजिए। अब हम लोग का जो मेन जो हम लोग को चेंजेस करना है वो है इसमें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको इसका 20 रुपीज़ कॉस्ट करके, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। आपको बस खाली एक सिल्कर क्ले आता है, सिल्कर क्ले का पैकेट, आपको वो पैकेट अपने कोई भी एक स्टेशनरी की दुकान से खरीद लेना है। वो 20 रुपीज़ का आता है, उसके अंदर दो पैकेजिंग आते हैं, आपको उन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, फिर एक क्ले मतलब जो डो होता है उस तरीके से आपको उसको बना लेना है। फिर आपको क्या करना है गाइस, आप इसमें देख सकते हैं कि वो जो क्ले है, आप जानते हैं कि वो क्ले जब जब सूख जाता है तब वो बहुत हार्ड हो जाता है और हैवी हो जाता है। तो आपको मैंने, आप देख सकते हैं कि मैंने इस ब्लेड का जो मेटल है उसमें मैंने जो सिल्कर क्ले उसको पूरी तरफ में, मतलब इसके अंदर में जो जगह होता है उसके अंदर फिल कर दिया है। उससे क्या हुआ, उस मतलब उससे ये जो बेब्लेड है वो पहले से ज़्यादा हैवी हो गया, और जब ये जब आपका सिल्कर क्ले सूख जाएगा उसके बाद ये बेब्लेड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और इसका मेटल पहले से ज़्यादा हैवी हो जाएगा, जिससे आप इस बेब्लेड को किसी के भी साथ भी फाइट करिए, ये कभी हारेगा नहीं और ये अनडिफिटेबल बेब्लेड बन जाएगा। तो गाइस, अगर आपको इस क्ले को, सिल्वर क्ले को इस मेटल के अंदर लगाने में अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा इसको कैसे हम लोग इस ब्लेड के अंदर फुलफिल करें। तो गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।